दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन पूर्वी उत्तर प्रदेश इकाई के त्रिवार्षिक परिषद का शुभारंभ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के अध्यक्ष देवाशीष घोष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान देवाशीष घोष ने बताया कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन विश्व की सबसे बड़ी आधिकारिक समिति है। इस समिति का जुड़ाव किसी राजकीय पार्टी से नहीं है। इस त्रिवार्षिक परिषद में देवाशीष घोष द्वारा बैंकिंग उद्योग संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया गया। इस अवसर पर गिरधर गोपाल, दीपक चौधरी, शंभुनाथ झा, संजय अग्रवाल, एसपी वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष देवाशीष घोष ने कहा, हम देवाशीष घोष हूँ। हमारा फेडरेशन यूनियन बैंक, ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का हम जहाँ से सेक्रेटरी हूँ।
आईबॉक बोल के जो सबसे बड़ा महासंघ है, जो सारे राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक्स, ग्रामीण बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है आईबॉक, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन। हम उनका राष्ट्रीय प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों का 11 कन्वेंशन है, ऑफिसर्स कन्वेंशन है। ये हमारा ईस्टर्न यूपी इकाई का सबसे बड़ा इकाई है हमारा फेडरेशन का। उसका 3 साल का बाद हम लोग क्या करता हूँ, इसके इलेक्शन और जनरल बॉडी करता हूँ। आज ये गोरखपुर में उसी का है समारोह है।